भगवान जी को भी नहलाना है, क्योंकि मम्मी का जो ऑपरेशन हुआ उसकी वजह से वो इस तरह के अभी काम नहीं कर रही है। यहाँ लेटो, इधर लेट जाओ। स्वेलिंग आने लगती है तो अब ये मुझे लग रहा है धीरे धीरे काफी टाइम से इसमें दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी मैं मॉर्निंग में मैं जल्दी नहा के अब इसकी कंटिन्यू मुझे मालिश करनी पड़ेगी। वगैरह कुछ भी नहीं कर पाई थी जिसकी वजह से मुझे लग रहा है स्वेलिंग आ रही है, खुजली वगैरह हो रही है, ज्यादा दर्द नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आधा वड़कम, मैं पम्मी और फर्जना स्वागत करती हूँ आपका अपने नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और इंटरेस्टिंग है कि नहीं ये आप मुझसे बेटर जानते हैं और ये मुझे बताइएगा जरूर। तो मॉर्निंग की शुरुआत हमारी हो गई है, सारा काम मेरे यहाँ खत्म हो गया है। आज फिलहाल मैंने पहुँचा नहीं लगाया क्योंकि सर्दी हमारी काफ़ी बड़ी हुई है, जिसकी वजह से एक दिन छोड़ एक दिन मैं लगा दी हूँ और आज मुझे लगाना नहीं था। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, मुझे इतनी निकाल ली है, हालांकि रूम में जाके तो भगवान जी के रूम में जाके तो अब मुझे उतारना ही है। और उससे पहले आज मुझे भगवान जी को भी नहलाना है क्योंकि मम्मी का जो ऑपरेशन हुआ उसकी वजह से वो इस तरह के अभी काम नहीं कर रही है और काफ़ी टाइम से भगवान जी नहलाए भी नहीं है, एक दो दिन मतलब हो गया है। तो आज मैं भगवान जी को भी नहलाऊंगी और मैं भगवान वो किचन में ही नहलाऊंगी और जैसा भी है हम आपको दिखाते हैं, वो वीडियो में बने रहिएगा। और आज एक और चीज़ है, आज भैया के फ्रेंड आ रहे हैं हमारे खाने पर, तो वो आएंगे वैसे शाम को, तो उनके लिए भी कुछ स्पेशल बनाना होगा क्योंकि वो बाहर रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं और आए हुए हैं। तो इस बार हम लोगों ने उन्हें खाने पे बुला लिया, आते वो हर साल हैं, हर साल के हम लोग कुछ महीनों के अंतर पे, और आज उनको हम लोगों ने घर पे बुलाया तो वो भी शाम को आएंगे। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहेगा, हम आपको सब चीज़। तो फाइनली हम आ चुके हैं किचन में और सबसे पहले हम अपने भगवान जी को ही नहला रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था भगवान जी को नहलाना हो नहीं पाया था क्योंकि मम्मी का जैसे कि अभी ऑपरेशन हुआ है तो जिसकी वजह से वो कहते हैं ना ये बारीक काम नहीं कर सकती हैं और वो काला चश्मा लगाए रहती हैं, तो काफ़ी आप लोग समझ सकते हैं कि काफ़ी अंधेरा सा दिखता है। हम नॉर्मल ही चश्मा लगाते हैं तभी सोच रहे कितना अंधेरा लगता है, तो यहाँ तो पूरा ब्लैक चश्मा है, जिसकी वजह से आज फाइनली मैं भी भगवान जी को नहला रही हूँ। हालांकि मैं ये काम जल्दी नहीं करती हूँ, मम्मी ही ये सब काम करती हैं और मैंने आज यहाँ पर अपने सिंक में ही भगवान जी को नहला दिया है। हालाँकि नॉर्मली हम भगवान जी के कमरे में पानी ले जाके तभी करते थे और यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया था। और भगवान जी को मैंने टीका लगाया था चंदन का, और जब मैं चंदन का भगवान जी को टीका लगाती हूँ और उसी बचे हुए चंदन से अपने हाथ में भी कुछ बनाती हूँ, जैसे हमारा ओम हो गया या राधे राधे हो गया, इस तरह से मैं अपने हाथ में लिख लेती हूँ और वही मैं ये काम कर रही थी। और इसके बाद फाइनली मैं अपना जो टीका लगाती हूँ मैंने वो भी निकाल लिया है क्योंकि ये लगाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके बाद फाइनली हम आ गए हैं अपने किचन में और आज मैं बनाने जा रही हूँ हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी, जो कि हमारा नॉर्मल घर का ही पनीर था क्योंकि भाभी अक्सर ये होता है कि भाभी मलाई वगैरह निकालती हूँ और ये मलाई का काम भाभी ही करती हैं। और सच बताऊँ तो अब मुझे बहुत बोरिंग भी लगता है क्योंकि कहते हैं ना कि आपकी जैसी हैबिट हो जाती है बस वही चीज़ आपको अच्छा लगने लगता है, तो बस वही ऐसा कुछ था। और यहाँ पर अभी मैं जग में पानी लेने जा रही हूँ जो कि मैं अभी गर्म करूँगी क्योंकि इस समय जैसे हमारी सर्दी बढ़ी हुई है तो हम नॉर्मली पानी जो है उसको थोड़ा सा गुनगुना करके पीते हैं। और मम्मी की आदत है कि मम्मी नॉर्मल सा ये जो हमारा पानी है इसको और हमारे जो तांबे का जग है उसका पानी आधा आधा मिला लेती हैं, तो इस तरह से कहते हैं हमारा जो पानी है वो नुकसान भी नहीं करता और काफ़ी हेल्दी होता है। फिलहाल मुझे वो तो ध्यान नहीं रहा लेकिन मैंने अपने फ़िल्टर से ही पानी निकाल के इसको फिलहाल गर्म करने जा रही हूँ और साथ ही मैं अपने सब्ज़ी वगैरह की भी साथ में तैयारी कर रही थी। और इस समय सच बताऊँ तो मेरे पैरों में भी काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी है, मेरे पैरों में एक्चुअली आने लगी है अब स्वेलिंग, जिससे मैं काफ़ी टाइम से बचने की कोशिश कर रही थी। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया हुआ है कि मैं डेली अपनी जो पैरों की मालिश है वो सब करती थी, लेकिन अभी जैसे कि हमारी दीदी वगैरह सब लोग आई हुई थी तो जल्दबाजी में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और नॉर्मल अपना तेल वगैरह लगा के मैं चली जाती थी, तो मालिश वगैरह कुछ भी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से अब मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी। पनीर हमारा घर का ही है और ये हमारी प्याज मिर्चा लहसुन और टमाटर मैंने इसमें पीस लिया, सब चीज़ें एक साथ में मिला के पीसूँगी। और मुझे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि दीदी आपको इस समय पैरों में क्या क्या दिक्कत हो रही है या आपको नॉर्मली कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका ऐसा होता है कि पर्सनली हम हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको मैसेज का रिप्लाई दे पाए, इसलिए मुझे लगा कि आपको वीडियो के जरिए इसका रिप्लाई देना ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि इससे
कहते हैं हमारे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह का मैसेज आता है वो एक ही वीडियो में सबको अपने आंसर का जवाब मिल जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले मेरे फ्रेंड्स का क्या क्वेश्चन था। उनका क्वेश्चन ये था कि आपको दीदी पैरों में पेन होता है चलने में और बाकी चीज़ें करने में, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाँ मेरे जो बिल्कुल पेन होता है कि नॉर्मल सी बात है। जब कहते हैं कि सर्दियों में हमारे नॉर्मल जो इंसान होते हैं जो सीधे खड़े हो सकते हैं चल सकते हैं जिनमें काफ़ी ताकत होती है उनको भी काफ़ी पेनफुल होता है जब नॉर्मली वो इस तरह से काम करते हैं चलते फिरते हैं, क्योंकि हमारा सर्दी का मौसम ही ऐसा होता है। तो आप मेरे पैरों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पेनफुल भी होता है और इस समय मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि इसमें काफ़ी स्वेलिंग आ रही है। और स्वेलिंग इसलिए आती है क्योंकि कहते हैं ना कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी स्लो होता है और यही रीज़न है कि इस समय मेरे पैर भी काफ़ी ठंडे रहते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि जैसे हम लोग रजाई में जाते हैं तो हमारी बहुत जल्दी पैर हमारे नॉर्मल हो जाते हैं, तो मुझे उसमें काफ़ी टाइम लगता है, मुझे पकड़ के भी रखने पड़ते हैं और कभी कभी हीट बैग की भी हेल्प लेनी पड़ती है ताकि हमारा पैर जो है वो नॉर्मली गर्म भी हो जाए। और लेकिन बस यही है कि जब हम एक बार थोड़ी देर तो हम गर्म कर सकते हैं, उसके बाद जब हमें बाहर निकलना होता है तो फिर वही उसी पोजिशन में आ जाते हैं, नॉर्मल ठंडे हो जाते हैं। तो चलिए, आपके और जो क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा या फिर आप मुझे इंस्टा भी कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो के जरिए आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूँ। और यहाँ देखिए, बातों बातों में हमारी सब्जी जो है वो बिल्कुल बनके तैयार हो गई है और इसमें मैं अभी वैसे थोड़ा सा पानी डालूंगी, मैंने अपने अभी इसे नॉर्मल ही बनाया है क्योंकि थोड़ी सी ये खटकेगी तो ये काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और जब तक मैं अपने पराठे वगैरह का जो भी काम है उसको भी कम्प्लीट कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया और ये हमारी नई वाली गैस है जो कि अभी कुछ दिन ही पहले आई है, हालाँकि 2 से 3 दिन हुए हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जो तीसरा चूल्हा है ये भी थोड़ा सा बड़ा है, जिसकी वजह से हम 3 काम एक साथ कर सकते हैं। और सच बताऊँ ये काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि इससे पहले जो हमारी गैस थी उसमें छोटा चूल्हा जो था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, जिसमें सिर्फ एक कटोरी ही चढ़ पाती थी और इसमें आप देख सकते हैं मैंने पूरी की पूरी यहाँ पर चाय की हांडी चढ़ा दी है। सब्जी आ गया फाइनली, हमारा खाना हमारी क्या उसकी सब्जी है, पनीर और मटर की सब्जी। और ये मेरे पैर से लग के ये गिर भी गई। और ये पराठे हैं और मम्मी खाना खा रही हैं, खाने के लिए थोड़ा सा चश्मा हटा दिया है। और यहाँ पर जो हम लोग किचन में काम कर रहे थे ये महाराज आके यहीं पर सो गए हैं, अब ये नहीं सुन रहे यहाँ लेटा कहीं से जाएगा। और हमारा टाइम 11:30 बज रहा है अभी। और इसके बाद मैं भी जा रही हूँ खाना खाने। और हमने वैसे हम शाम को ही बना सकते थे पनीर, और शाम को हम लोग अलग बनाएंगे और इसलिए क्योंकि ये हमारा पनीर घर का है जो काफ़ी टाइट होता है, तो अच्छा नहीं लगेगा उनके सामने। अगर सही बनती है तो हम जरूर भैया को देंगे, और इसके अलावा भी जो भी चीज़ बनाएंगे तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। और अभी इसके बाद यहाँ की पूरी मुझे सफाई करनी है और बाहर की भी करेंगे, तो वीडियो में ऐसे ही करेंगे। देखिए ये ऐसे सोए पड़े हैं इधर मम्मी के लेटने की जगह, इनको अपनी जगह ही लेना पड़ेगा, मुझे यहाँ बैठा दूंगी ताकि मम्मी भी आराम से लेट सके। आओ होल्डी बेटी, गोल्डी को इधर ले रहे हैं। आ बेटी, यहाँ लेटो, इधर लेटो, आराम से सो, कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। अब ये आराम से सोएंगे यहाँ पर है? छोई छोई आई है, छोई छोई आई है, आई है ना छोई छोई। और यहाँ पे गोल्डीज के साथ थोड़ी देर मस्ती करने के बाद फाइनली मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था यहाँ पर मेरे भैया के जो एक दोस्त हैं, ये एक तरह से बोला जाए भैया के लंगोटिया यार हैं, वो शाम को आएंगे, जिसकी वजह से मुझे लगा यहाँ की फाइनली मुझे आज सफाई कर लेनी चाहिए। हालांकि अभी 2 दिन पहले भी मैंने यहाँ की सफाई कर ली थी, लेकिन मुझे लगा आज फिर से कर लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह जो भी आई हो तो वो क्लीन हो जाए, क्योंकि ये हमारा ऐसा रूम है जहाँ पर अक्सर लोगों का आना जाना होता है, कोई भी आता है तो सबसे पहले यही बैठाया जाता है कि हमारा जो कमरा है वो थोड़ा अंदर पड़ जाता है और नॉर्मली हर किसी को हम लोग कमरे में नहीं ले जाते हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ की सफाई कर रही हूँ। इसके अलावा जो हमारी मेज़ वगैरह है वहाँ की भी मैं सफाई कर मैंने की थी, लेकिन मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि बार बार अपने कैमरे को सेट करने के लिए मुझे बार बार उधर जाना पड़ता है। और अभी मैंने आपको बताया हुआ था मेरे पैरों में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से मुझे लगा कि बस नॉर्मल सा हम थोड़ा बहुत ही अपना काम को दिखा देते हैं। यहाँ पर एक
हमारा जो सोफ़ा है उसको मैंने क्लीन कर लिया है, और ये छोटी वाली मेज़ है क्योंकि ये काफ़ी हेल्प करती है। जैसे हमारे भैया के एक फ्रेंड हैं जो आते हैं मॉर्निंग के टाइम पे ही आते हैं, जैसे भैया हमारे बैंक से आते हैं, तो यहाँ पर खाना वगैरह खाने में काफ़ी ईजिली हो जाता है उनके लिए भी। और बड़ी वाली मेज़ हम लोग तब निकालते हैं जब जैसे ज़्यादा लोग आते हैं, जैसे हमारा कोई प्रोग्राम या फंक्शन होता है उस टाइम पर हम लोग अपनी बड़ी वाली जो मेज़ है उसको भी निकाल लेते हैं। और ये सफाई मेरी काफ़ी टाइम से हुई नहीं थी, जैसे अभी दीदी वगैरह सब लोग आए थे या कोई भी आता है तो कहते हैं ना कि हमारा काम भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर सफाई के लिए उतना टाइम भी नहीं मिल पाता है। और वैसे भी अभी हमारे जैसे थोड़े दिन की सर्दी रह गई है, और सर्दी ख़त्म होते ही फिर हमारा जो नॉर्मल रूटीन है वो अपना शुरू हो जाएगा, अपना कहते हैं ना हमारा दिन भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अभी हमारा दिन भी काफ़ी छोटा होता है तो टाइम का भी पता नहीं चलता, और खाना वाना बनाने के बाद काफ़ी रेस्ट हो जाता है, और बाकी चीज़ें भी होती हैं, एडिटिंग वगैरह सब चीज़ें करना होता है, तो टाइम कब हमारा निकल जाता पता ही नहीं चलता। आजकल तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक टाइम मैं बना लेती हूँ, एक टाइम भाभी बना लेती हैं, वैसा ही हमारा काम हो जाता है, क्योंकि भैया बैंक चले जाते हैं, भैया बैंक में कभी कुछ खा लेते हैं, तो नाश्ते का अभी हमें उतना टेंशन भी नहीं रहता है। और यहाँ पर फाइनली मेरी साफ़ सफाई सारी हो गई है, और मुझे लगा था कि यहाँ पर गेट पे कोई है, क्योंकि अक्सर ये होता है इस समय हमारा गोल्डी वगैरह भी गेट खोल के भी आ जाता है, हालांकि वो अभी रूम में ही था तो जिसकी वजह से मैं अपना बाहर ही आ गई थी। और ये सब काम मैंने शाम तक निपटा लिया था, क्योंकि 7 बजे के आसपास भैया के जो फ्रेंड हैं वो भी आने वाले थे, और हमें भी यही लगता है कि जितना काम हमारा जल्दी हो जाए तो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सर्दी में कहते हैं कि हर कोई अपने बिस्तर में ही रेस्ट करना चाहता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था मेरे सर्दियों में पैरों में देखिए स्वेलिंग आने लगती है, तो अब ये मुझे लग रहा है धीरे धीरे शुरू हो गई है। ये देखिए पूरे लाल पड़े पैर, ये देखिए काफी टाइम से इसमें दर्द हो रहा, पेन हो रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में मैं नहा के जल्दी चली जाती थी, इसमें ऑयल वगैरह जो मालिश करती थी वो इस बीच हो नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से अब काफ़ी पेन हो रहा है। और आप देख सकते हैं इसको दूसरे पैर में भी हो रहा है, हालांकि इसमें ज़्यादा नहीं है, यही चीज़ ये पोर्शन बस दर्द होते हैं। अब आज से फिर से मालिश मैंने कंटिन्यू कर दी है, देखिए काफ़ी पेन हो रहा है, इसमें पेन भी होता है साथ में काफ़ी खुजली भी मचती है, देख सकते हैं उंगलियाँ, ये देखिए सारी उंगलियाँ इसकी लाल पड़ी हुई हैं। वीडियो में उतना क्लियर नहीं होगा लेकिन उंगलियाँ काफ़ी लाल हो रही हैं इसकी, अब इसकी कंटिन्यू मुझे मालिश करनी पड़ेगी। Hours later. भैया को नहीं पता कि चाय मच्छी बनाते हैं, छुट्टी में क्या बनाते हो, छुट्टी में तो नहीं बनाते। और यहाँ पर फाइनली हमने जो खाना बनाया था ये वो है, हमारा हलवा है, मेथी आलू की सब्जी है, आलू टमाटर की रसीली सब्जी है जो कि काफ़ी अच्छी बनी थी, थोड़ी सी हमने गाढ़ी बनाई थी क्योंकि हमने कचौड़ी के साथ बनाई थी, और इस समय मैं बना रही थी यहाँ पर आलू की कचौड़ी। और ये हमारा रायता है जो कि सिर्फ दोनों भैया लोग के लिए बनाया गया था, क्योंकि हम लोग को नॉर्मली सर्दी में हम लोग जल्दी नहीं खाते रायता वगैरह, और ये मैं बना रही थी कचौड़ी। और यहाँ पर भैया लोग ने बहुत ज़्यादा खाया नहीं था, हम लोग ने सोचा था भैया लोग अच्छे से खाएंगे, हालांकि उनको अच्छा लगा था लेकिन कहते हैं उनकी खुराक भी ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने खाने के लिए मना कर दिया था। और यहाँ पर कहते हैं सर्दी में भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, और यहाँ जब रचित रिकॉर्डिंग कर रहा था तो वो भी शॉक्ड हो गया कि ये कर क्या रहा है। तो यहाँ पर फाइनली आ गया हमारा खाना, और हमारी कचौड़ी है, आलू टमाटर की सब्जी है, और ये मेथी आलू की सब्जी है, और चटनी वगैरह भाभी शायद देना भूल गई, कोई बात नहीं मेरा इसी से हो जाएगा काम। और मम्मी खाना खा चुके हैं, मम्मी कैसा लगा खाना, सही लगा, नमक मसाले मिर्च। और अब फाइनली मैं भी जा रही हूँ खाना खाने के लिए, और हमारा टाइम इस समय 9:15 हो रहा है, और बस हमारा वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, और आज पैरों में मेरे काफ़ी खुजली मच रही है क्योंकि मेरे पैरों में आ रही है स्वेलिंग, क्योंकि अभी बीच में मैं मालिश वगैरह कुछ भी नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है शायद स्वेलिंग आ रही है,
खुजली वगैरह हो रही है, ज़्यादा दर्द नहीं है लेकिन खुजली वगैरह हो रही है, थोड़ा सा उसमें पेन है। इसी के साथ अब मैं अपने वीडियो को भी एंड करूँगी, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय श्री राम, राधे राधे।